गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने DSSSB की वेबसाइट देख ली होगी होपफुली, और नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। आपको ये पता होगा अगर आप लोगों ने वेबसाइट देखी है कि DSSSB में वेबसाइट पे काफ़ी सारे नोटिसेस जो हैं रिलीज़ हुए हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर TGT पंजाबी एंड TGT उर्दू। एज यू नो, इनके जो एग्जाम्स ही रिस्केड्यूल हुए हैं, पहले के एग्जाम्स जो थे वो पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम, लेकिन अब ये जो एग्जाम्स हैं आपके, आपको पता है कि 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर को आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, देन 13 अक्टूबर को TGT पंजाबी मेल फीमेल, एंड देन 24 अक्टूबर को TGT उर्दू मेल फीमेल का एग्जाम है। तो इन तीनों पोस्ट के जो एडमिट कार्ड है वो DSSSB की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। आप जाएं चाहे तो वहां जाके अपना, एंड चाहे कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा, जो लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने उर्दू का, पंजाबी का या नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम फॉर्म भरा है, तो वो लोग DSSSB की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड हुआ हुआ है, वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, उसका जो है आपका अपडेशन आ गया है कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कब है। तो ये आप लोगों का 26 अक्टूबर को है, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम और डेट होगी, मतलब डेट जो है आप लोगों की 26 अक्टूबर है। बट इसके लिए भी आप लोगों को एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके एडमिट कार्ड बाय 21 अक्टूबर जो वेबसाइट पे दे रखा है, 21 अक्टूबर तक आप लोगों के असिस्टेंट ग्रेड 3 के एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जो आप उसकी, आप सॉफ्ट कॉपी को, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं अपने हार्ड, उसको हार्ड कॉपी में मतलब लेके जाना पड़ेगा आपको। देन अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर नहीं आया है, होपफुली आपको अक्टूबर मंथ में नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने को मिलेगा। एंड चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोग रेगुलर मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं कि हमारा SST TGT का एग्जाम कब होगा, PGT का कब होगा। सो एज़ पर मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, TGT वाले जो हैं, मैं तो अभी तक भी यही बोलूँगी, आप लोगों के एग्जाम्स होने के जो चांसेस हैं पूरे पूरे अगले साल ही हैं, अभी तो कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे मिथ्स तो ये आ रही है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी है। दिसंबर में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, पर येस, नवंबर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जाम्स की, अगर वेदर ऐसे ही रहा अभी जैसे कि बहुत गर्मी है। बट दिसंबर के अंदर कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन जो PGT वाले हैं और जो NTT वाले हैं, एटलीस्ट वो प्रिपेयर्ड होके रहें अपने एग्जाम्स के लिए। आप लोगों की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि आप लोगों के एग्जाम्स इस साल हो जाएं, बट येस, जो TGT वाले हैं वो उनके चांसेस बहुत ही कम है जो आपके एग्जाम इस बार, इस साल होंगे या नहीं। बात करें DSSSB PRT की वैकेंसीज की, उसके भी कोई चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं कि वो इस साल आएंगी, वो भी आप लोगों को अगले साल तक ही देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग अपने पूरे प्रिपरेशन मोड में हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे TGT की, चाहे PGT की, PRT की, तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। TGT वालों को तो अभी भी आराम से 3-4 महीने का इनफ टाइम है, अगर आप लोगों ने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप अभी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं विद राइट स्ट्रैटेजी। बट येस, 6 से 8 घंटे आप लोगों को डेफिनेटली निकालने पड़ेंगे, और वो 6 से 8 घंटे बहुत फ्रूटफुल होने चाहिए, उसमें कहीं भी कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर 6 से 8 घंटे नहीं तो 5 घंटे आप निकाल सकते हैं, पर वो ऐसे निकालिए जहाँ पे आपका कोई भी ध्यान ना बटाओ, कोई भी काम नहीं, एंड आप लोग उन 5 घंटे के अंदर अपने Part 1 और Part 2 दोनों की पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने टाइम टेबल को 3 घंटे 2 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 2 घंटे आप रेगुलर अपना ये टाइम टेबल बनाइए कि मुझे अपना सब्जेक्ट करना ही करना है, और टॉपिक्स को सिलेक्ट करके रखिए कि इस टाइम के अंदर, इस 1 घंटे के अंदर मुझे अपना ये टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। एंड 1 हफ्ते के अंदर 1 दिन आपको ज़रूर ऐसा निकालना है जिस दिन आप लोग बिल्कुल रिवीजन मोड में हो, मतलब उस दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो चीज़ भी पढ़ी हुई है उसको हर हफ्ते रिवाइज ज़रूर करना है। तो वो आप चाहे सैटरडे निकालें, चाहे संडे निकालें, जिस दिन भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है उस दिन आप पूरा रिविजन डे रखिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी में परमानेंटली फिक्स हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जब तक आपका सिलेबस कम से कम 75-80% कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही मॉक टेस्ट करने लग जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब नुकसानदायक है। तो इसीलिए अपने पूरे सिलेबस पे फोकस करिए, ज़्यादा मॉक टेस्ट पे नहीं। येस, जब आपका सिलेबस आपको लगे कि हाँ मुझे मोर देन इनफ आता है, तभी मॉक टेस्ट की तरफ जाइए। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में से पेपर आता है, बट मॉक टेस्ट से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमारी नॉलेज कितनी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और हम लोग कितने टाइम में कितना एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एज यू नो, DSSSB के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स जो होते हैं डिडक्ट होते हैं,
सेकेंडली आपकी टाइम लिमिट होती है, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए हार्डली 30 से 35 सेकेंड्स मिलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लेस। सो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें एक्यूरेसी पे भी वर्क करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट पे भी वर्क करना है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें उस टाइम पे आंसर्स भी स्ट्राइक नहीं करते हैं, मतलब जो इजी से इजी क्वेश्चंस भी होते हैं वो स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट से आपको जो आपकी वीक पॉइंट्स होते हैं, वीकनेस होती है, वो पता लग जाती है, तब आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो जितने प्रीवियस ईयर्स आप कर सकते हैं उतना करिए, जिससे आपको क्या होगा, आपकी जो फाउंडेशन होगी, आपकी जो नींव होगी ना सब्जेक्ट की, और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी, और आप लोगों को एग्जाम टाइम तक आप इतने फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि फिर कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने लेके आ जाओ, हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर एटलीस्ट एक घंटा आप मैथ्स का ज़रूर ज़रूर रखेंगे। मैथ्स आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है, और अपना एक घंटा आपको जनरल अवेयरनेस जीके को देना ही देना है, और बाकी के सब्जेक्ट्स जो आपके हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, आप इनको अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। एक दिन आपने इंग्लिश कर ली, एक दिन आपने हिंदी कर ली, एक दिन आपने रीजनिंग कर ली। बट अगर आप ऐसा चाहते हैं जैसे मैंने कैसे किया था, मैंने तो ऐसे किया था, हिंदी उठाया तो मैंने 8-10 दिन तक सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ी, मतलब हिंदी के पीछे मैं इतनी बुरी तरह पड़ गई कि मैंने जब तक हिंदी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, 10-12 दिन ऑलमोस्ट मुझे लग गए थे, तब तक मैं दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं आई। देन आई वेंट टू इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पे गई, इंग्लिश मैंने जब तक पूरा कंप्लीट नहीं किया 12-13 दिन में, जब तक मैंने कुछ और सब्जेक्ट नहीं छुआ। फिर कुछ दिन मैंने मैथ्स करी, बट ये सब्जेक्ट अपना साथ में किया, बट इनको मैंने एक एक करके हैंडल किया, एक एक करके हाथ में लिया, और उसको कंप्लीट करते करते तब, मतलब मुझसे ऐसे नहीं होता था सारे सब्जेक्ट्स टुगेदर, मैंने एक एक करके कंप्लीट किया और तब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाती गई। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं तो ये भी अच्छी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, पर आपको करना पूरा पूरा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं आपके जनरल पेपर में, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जिन टॉपिक से हर बार DSSSB में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।